आज हमें तो फिर से आ गए एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल है 10 दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दुनिया की खूबसूरत जगह। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तो फिर मिलेंगे वीडियो के अंत में। टेन ऑन टेन पेश करते हैं दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत जगह। नंबर 10, उलुरू ऑस्ट्रेलिया। उलुरू ऑस्ट्रेलिया के मध्य में मौजूद एक विशाल सैंडस्टोन पत्थर की पहाड़ी है। इस पहाड़ी की खासियत ये है कि ये दिन के समय के साथ साथ रंग बदलता रहता है। रंग बदलने वाले इस पहाड़ को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भी जगह दी हुई है। 350 मीटर ऊंची इस पहाड़ी को आईएस रॉक भी कहते हैं। नंबर 9, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड भारत। वैली ऑफ फ्लावर फूलों से भरी एक घाटी है जो भारत में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में मौजूद है। समुद्र तल से 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित इस वादी में 500 तरह के फूल वाले पौधे उगते हैं। जब ये फूल खिलते हैं तो लगता है कि प्रकृति मखमली कारपेट बिछाकर स्वागत कर रही हो। नंबर 8, विक्टोरिया फॉल्स जाम्बिया जिम्बाब्वे। विक्टोरिया फॉल जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में मौजूद एक 1700 मीटर चौड़ा पानी का अति विशाल झरना है। 108 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले इस झरने को गरजने वाला धुआं भी कहते हैं, क्योंकि जब पानी इतनी अधिक मात्रा में इतनी ऊंचाई से गिरता है तो फिर 400 मीटर की ऊंचाई तक पानी की फुहार पहुंच जाती है जो नए बादलों को जन्म देती है। इस झरने की आवाज 40 किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है। नंबर 7, ध्रुवीय क्षेत्र। हमारे 7वें नंबर पर आते हैं पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र, जहां पर होती है प्रकृति और विज्ञान की एक अनोखी सम्मोहित कर देने वाली घटना। पृथ्वी के इस भाग में चुंबकीय शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि यहाँ की हवा के कण भी इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, और इस चुंबकीय शक्ति के कारण एक ऐसा दृश्य आकाश में पैदा होता है जिसे शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। नंबर 6, ब्लू रिज माउंटेन्स यूएसए। ब्लू रिज माउंटेन्स यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व में मौजूद एक पर्वतीय श्रृंखला है। इन पहाड़ियों की खासियत ये है कि ये एक नीले रंग की छटा बिखेरते हैं, जिसकी वजह है यहाँ के पेड़ों से उत्पन्न होने वाली आइसोप्रीन गैस। दूर से देखने पर ये पर्वत इस नीली छटा से मन मोह लेते हैं। अगर आपने अभी तक इस भारतीय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले चिन्ह पर क्लिक करना ना भूलिएगा। ये प्रक्रिया है एकदम निःशुल्क और आप देख पाएंगे हमारे वीडियो सबसे पहले। नंबर 5, पंगोंग सो लेक लेह लद्दाख भारत। हिमालय के लेह लद्दाख क्षेत्र में मौजूद है पंगोंग सो झील, जिसका पानी साफ है और नीले कांच की तरह लगता है। समुद्र तल से लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस झील को ऊंचे हिमालय पहाड़ों ने घेरा हुआ है। इस जगह पर थ्री इडियट्स, दिल से, जब तक है जान और अनेक अन्य फिल्मों की शूटिंग की गई है। नंबर 4, सलार दे ओइनी बोलीविया। सलार दे ओइनी दक्षिण पश्चिमी बोलीविया के एंडेस में 12,000 फीट की ऊंचाई पर 11,000 वर्ग मीटर की कच भूमि है। ये जगह इतनी समतल है कि इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ ऊंचाई का अंतर 1 मीटर से ज्यादा नहीं है। यहाँ की नमकीन सतह पर पड़ा हुआ पानी शीशे का रूप प्रदान करता है और लगता है कि आकाश धरती पर उतर आया हूँ। नंबर 3, प्लिटवाइस लेक क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी जग्रेब और जदर शहर के बीच में एक झील और झरनों का ऐसा अनोखा जाल तंत्र है जो कि आपको एक अद्भुत दुनिया में ले जाता है। ये विस्मयकारी दुनिया प्रकृति और मानव के बीच एक बेहतरीन प्रयास का परिणाम है, क्योंकि यहाँ कई कृत्रिम झरने और ब्रिजेस बनाए गए हैं। यहाँ पर ट्रैकिंग भी आयोजित कराई जाती है। नंबर 2, ग्रैंड कैनियन यूएसए। ग्रैंड कैनियन अमेरिका की कोलोराडो नदी से कट कर बनी एक अति विशाल घाटी है।
इस घाटी की विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये घाटी 1.5 किलोमीटर से ज्यादा गहरी, 29 किलोमीटर चौड़ी और 450 किलोमीटर लंबी है। यहाँ के पत्थरों के कटान की रेखाओं से आप समय के परिवर्तन का भी एहसास लगा सकते हैं। सबसे नीचे की सतह के पत्थर लगभग 180 करोड़ साल पुराने हैं, यानी कि डायनासोर के काल से भी पहले के। नंबर 1, मोरेन लेक, कनाडा। मोरेन कनाडा की एक शीतल पानी की झील है जिसके पास मौजूद पर्वत और जंगल इसे मनमोहक रूप प्रदान करते हैं। इस झील का पानी पास के एक ग्लेशियर से आता है और झील को एक नीला रंग देता है। इस झील का असली मजा यहाँ कयाक बोट में सैर करने पर आता है, जब ये आपको एक सुकून वाली दुनिया में ले जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने वीडियो देखा, हमें वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और वाकई में इतने खूबसूरत खूबसूरत जगह देखने के लिए, मतलब ऐसा लगता था कि अभी वहाँ पर पहुँच जाए। हाँ, मेरा तो मन बहुत कर रहा था कि जाऊँ वहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रहा था। आपको कौन सा जगह सबसे पसंद आया हमें कमेंट करके बताइएगा, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।